नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्थानीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। जैसा कि डेली ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक एक वीडियो अपने अपने विषय का आप सभी तक संप्रेषित कर दिया जाए, और उम्मीद करते हैं कि अब तक जो वीडियो बने हैं उस आपसे आप सभी स्टूडेंट्स लाभान्वित हो रहे होंगे। अपनी पढ़ाई रेगुलर रख पाने में ये वीडियोस और हमारे नोट्स और जो भी स्लाइड्स हम आपके साथ शेयर करते हैं वो आपके लिए लाभदायक रही होगी। आज द्वितीय वर्ष की क्लास में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो सैनिक प्रशासन में सुधार किए, भर्ती में, विभाग में, जो सारे सुधार, जिन सुधारों की बनिस्पत ना सिर्फ उसने उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, साथ ही साथ मंगोल, जो कि उस वक्त पूरे विश्व पर एक आंधी तूफान की भांति छाए हुए थे, उनसे लड़ने में सक्षम रहा, बल्कि इनके आधार पर ही वो दक्षिण में अपनी साम्राज्यवादी नीति की पालना कर सका। कहीं ना कहीं उसके इन सारे विजयों का श्रेय उसके जो सैनिक संगठन है उसमें सुधार अलाउद्दीन ने जो किए उसके ऊपर जाता है। वैसे मैं आपको इससे पहले ये ज़रूर बता देना चाहूँगी कि सल्तनत काल में, प्रारंभ में, इल्तुतमिश के समय और उसके उत्तराधिकारियों के समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, सुल्तान के पास कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी, सिर्फ उनके अपने अंगरक्षक हुआ करते थे। सल्तनत काल में स्थायी सैन्य विभाग यानी दीवाने आरिस की स्थापना का श्रेय बलबन को दिया जाता है, जो कि बलबन की जो उपलब्धियां आपको गिनाई गई थी एक वीडियो में, उसमें ज़रूर आपने वो सुना होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए मैं बता दूं, दीवाने अर्स या आरिस या स्थायी सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने सल्तनत काल में की थी। अब उसको चामा पहनाया, किस तरह से सेना को ताकतवर बनाया, इसका पूरा श्रेय हमें अलाउद्दीन को ही देना पड़ेगा। उससे पहले हम परिस्थितियां देख लेते हैं कि जब अलाउद्दीन सत्ता में आया तब सैनिक जो संगठन थे उसकी क्या क्या कमियां थी और उन कमियों से उसने उनका कैसे निवारण किया। सबसे पहले उस वक्त जो सेना होती थी वो दो भागों में बटी होती थी। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना कर दी थी दीवाने आरिस का, एक तरफ तो ये सेना है और दूसरी तरफ जो मनसबदार हैं, जो सामंत वर्ग हैं, इनकी सेनाएं हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन ने ये देखा कि जो सामंत वर्ग है इनके पास जो सेनाएं होती हैं, है ना, उनको क्या किया जाता था कि सेना की जो कार्य किया करते थे उनमें वेतन नहीं देख करके ज़मीन दे दी जाती थी। तो ज़मीन पर जो बड़ा सामंत हुआ करता था वो उस ज़मीन पर स्थायी हो जाता था, अपने खुद के उसके सैनिक हुआ करते थे, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद औजार किले, ये सारी जो संभावनाएं थी कहीं ना कहीं विद्रोह के एक स्वरूप को ज़रूर बढ़ावा दिया करती थी। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि सामंत वर्गों को शक्तिशाली, शक्तिहीन करने के लिए, इनकी शक्ति को कम करने के लिए और सुल्तान की शक्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सेना में अच्छा संगठन होना ज़रूरी है। घुड़सवारों को, पैदल और भी जो सारे सेना के अंग हैं इनकी संख्या बढ़ाना और इसमें भी कुशल लोगों को लिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसने अपने अधीन में जो सुल्तान की सेना है उसकी संख्या में इजाफा किया। फरिश्ता यहाँ लिखता है, उस वक्त का एक इतिहासकार था, उसने लिखा है कि अलाउद्दीन की सेना में 4.5 लाख यानी 4.7 लाख 7.5 लाख के लगभग घुड़सवार थे, और इसी विशाल सेना की बूते ही उसकी सारी जो विजय हैं, जो सारे मंगोलों के हमलों का उसने सफलतापूर्वक सामना किया, ये संभव हो पाया था। दूसरा, स्थायी सेना में जब सैनिक भर्ती किए जाते थे तो कोशिश ये की जाती थी कि योग्य सैनिकों को भर्ती किया जाए। कई बार ऐसा हुआ करता था कि जब सेना में भर्ती होती थी तब तो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ इंसान जो है वो आया करता था, लेकिन जब युद्ध लड़ने की बारी आती थी तो उनको ज़मीन तो मिल गई है, वो क्या किया करते थे, अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दिया करते थे, जिसको कि युद्ध में, लड़ाई झगड़े का सेना में कोई भी अनुभव नहीं हुआ करता था, और इसका खामियाजा सुल्तानों को भुगतना पड़ता था। अलाउद्दीन का इसकी तरफ ध्यान गया। दूसरा, एक ये भी हुआ करता था कि जब साल में एक बार इंस्पेक्शन हुआ करता था और अपने घोड़े को दिखाना पड़ता था, तब तो बढ़िया नस्ल के घोड़े ला दिया करते थे, और वही एक घोड़ा हर बार एक सामंत से दूसरे सामंत में, एक घोड़ा कई जगह घुमा करता था,
लगता था कि घोड़े संख्या में इतने हैं, लेकिन जब युद्ध के मैदान में आने की बारी आती थी तो कमज़ोर घोड़े आते थे और हष्टपुष्ट बलिष्ठ घोड़े बहुत ही कम आया करते थे। तो इससे निपटने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ नए प्रथाएं अपनाई। इन प्रथा को नाम दिया गया दाग और हुलिया। इनको आप तरीके से पढ़ो, दाग और हुलिया। दाग क्या हुआ करता था कि एक बार कोई घोड़ा जब निरीक्षण के लिए आया है तो उसके ऊपर एक शाही दाग लगा दिया जाता था, यानी एक बार इस घोड़े का इंस्पेक्शन हो गया है, ये सेना में आ चुका है, अब दूसरी बार अगर आप इसको लाना चाहोगे, कोई दूसरा सामंत उसको खरीद करके लेना चाहेगा तो वो मान्य नहीं होगा। एक बार में एक ही घोड़े की वैधता होगी। उससे क्या है, हर सामंत को मजबूत बलिष्ठ चुस्त दुरुस्त घोड़े रखना ज़रूरी हो गया। और इन्हीं घुड़सवार, क्योंकि आजकल जो एरोप्लेन काम किया करते हैं उस समय घोड़े काम किया करते थे, स्पीड जो है उसमें निर्णायक हुआ करती थी उस समय युद्ध में, तो घोड़े बलिष्ठ होना, चुस्त दुरुस्त स्फूर्ति वाले होना बहुत ही आवश्यक हुआ करता था। तो एक बार एक ही घोड़ा आ गया, उसको वापस से अदला बदली नहीं की जा सकती, तो इसके लिए सामंतों को निश्चित संख्या में घोड़े रखने ही पड़ते थे। दूसरा है हुलिया। हर सैनिक का, मैंने बताया कि जब निरीक्षण हो रहा है, जब सालाना इंस्पेक्शन हो रहा है, तब तो किसी और सैनिक को भेज दिया गया, और युद्ध क्षेत्र में कमज़ोर वृद्ध अपंग लाचार जैसे हों जो लड़ नहीं सके तरीके से, उनको भेज दिया जाता था। तो अलाउद्दीन ने ये कहा कि इन सारे सैनिकों का आप हुलिया लिखना शुरू करो कि इसके शरीर पर कहाँ कहाँ मार्क्स हैं, कितनी लंबाई है, कैसा रंग है, कैसे बाल हैं, कद काठी, सारा विवरण उसका लिखा जाता था, ताकि युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक इंस्पेक्शन के समय आया है, भर्ती जब की गई है, जिस सैनिक को भर्ती किया गया है युद्ध क्षेत्र में, वही सैनिक आए और अलाउद्दीन अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों और सर्वश्रेष्ठ घुड़सेना के साथ युद्ध के क्षेत्र में उपस्थित हो और उसकी विजय की संभावनाएँ अपने आप बलवती होती चली जाए। अगला, जैसा मैंने बताया था कि तब तक क्या किया करते थे कि सैनिकों को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, तनख्वाह की जगह उनको ज़मीन दे दी जाती थी, कुछ गांव दे दिए जाते थे, जैसा उसकी क्षमता थी उसके अकॉर्डिंग, तो वहां से वो राजस्व वसूला करता था। अब इससे क्या हो रहा है कि वो वहां राजस्व वसूल रहा है तो सरकार के तो खजाने में ये कमी हो रही है, दूसरी बात ये है कि वो एक जगह जब रहेगा, किला बनाएगा अपने अधीन में, छोटे मोटे और सैनिक भर्ती करेगा तो शक्तिशाली होगा और विद्रोह की संभावना बरकरार रहेगी। तो इस समस्या से निपटने के लिए बलबन का भी इरादा था कि मैं जो है सैनिकों को ज़मीन नहीं दूँ, ज़मीन के बदले तनख्वाह दूँ। वे तनख्वाह दी और बात ख़त्म, जब सेना में सेवाएं समाप्त तो तनख्वाह ख़त्म। तो इससे राजकोष पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता था और सैनिक विद्रोह का केंद्र बनने से बड़े बड़े जो सेनापति हैं वो सारा मामला ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन बलबन ऐसा अपने समय में नहीं कर पाया। उसके इस कार्य को पूरा किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने अपने सारे सैनिकों की तनख्वाहें निश्चित कर दी थी। अब उस तनख्वाहों के बारे में बताती हूँ। अलाउद्दीन के समय जो है घुड़सवार दो तरह के हुआ करते थे, एक वो जिनके पास एक घोड़ा हुआ करता था, जिनको कि यक अस्पा कहा जाता था। यक अस्पा का वार्षिक वेतन 234 तंका, ये चांदी की मुद्रा थी। आपको इल्तुतमिश ने जो नई मुद्राएं चलाई थी, तांबे का जीतल, चांदी का टंका, उनके बारे में आपको बताया था। 234 टंका एक घोड़े वाले घुड़सवार को दिया जाता था। और दूसरा घोड़ा क्यों उपयोगी है, क्योंकि कई बार घोड़ा घुड़सवार को लेकर चलता है, थक जाता है, बीमार हो सकता है, उसकी स्पीड कम ना हो, उसके लिए कई लोग जो समर्थ थे वो दो घोड़े रखा करते थे, ताकि युद्ध क्षेत्र में और इधर उधर आने जाने में भी उनको सुविधा रहे। तो ऐसे दो अस्पा कहा जाते थे दो घोड़े वाले घुड़सवारों को। इन दो अस्पा घुड़सवारों में को 72 टंका एक्स्ट्रा दिया जाता था और उनका वार्षिक वेतन हुआ करता था 312 टंका प्रति वर्ष। ये उसने अलाउद्दीन ने वेतन तय कर दिया था। अब एक तरह से ये देखा जाए तो ये वेतन बहुत कम था, इससे बेसिक नीड जो हैं, बुनियादी आवश्यकताएं, उसकी पूरी होना बड़ी मुश्किल थी। परिवार का तो वो पालन पोषण अच्छे से, उसका रहन सहन कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन अलाउद्दीन ने जो बाज़ार नियंत्रण की व्यवस्था अपनाई वो इतनी कुशलता से काम करी कि इसके कारण ये वेतन भी सैनिकों के लिए बहुत सही था, पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था। इसके बाद में गनीमा एक शब्द आता है आपके मध्यकालीन इतिहास में कई बार। गनीमा ये क्या हुआ करता था
कि जब भी किसी दूसरे राज्य पर सल्तनत काल में सेनाएं आक्रमण किया करती थीं तो उस राज्य से बहुत सारा लूट का माल मिला करता था। सोने, चांदी, गहने, जवाहरात, रुपए, ये सारी चीज़ें मिला करती थी बहुत अधिक मात्रा में। तो ये जो लूट का माल है, इसमें सैनिकों का अंश जो है वो गनीमा कहलाया करता था। अलाउद्दीन से पहले तक सैनिक जो है 80% तक जो लूट का माल है यानी गरिमा है वो 80% सैनिक रखते थे और बाकी का 20% यानी 1/5 हिस्सा जो है वो केंद्रीय खजाने में जमा होता था। अलाउद्दीन ने इसकी दर को जस्ट उल्टा कर दिया। उसने कहा कि भाई आपको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, आपको इस तरह से नहीं हो कि ज़मीन पर आधारित हो। उसने सैनिकों का हिस्सा इसमें 20% यानी 5वां हिस्सा कर दिया और जो केंद्रीय खजाने में उस को जो है 80% यानी 4/5 में से चौथा भाग हर जो है केंद्रीय राजकोष में जमा कर दिया जाता था। अब इससे ये तो लगेगा कि सैनिक जो हैं उनको काफ़ी कम पैसा मिल रहा है, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अलाउद्दीन के समय इतने सैन्य अभियान हुए गुजरात में, राजस्थान में, मालवा में और सबसे बड़ा है दक्षिण में, जहां उनको भारी मात्रा में सोना मिला। तो वो 80% जो शुरू में मिलते थे और ये 20% जो अब मिल रहे हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं था और इस कारण सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया, वो इसी दर से संतुष्ट रहे। और इस कारण अलाउद्दीन के जो सारे अभियान हैं उसमें केंद्रीय जो खजाने हैं उसकी मात्रा में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। ये है अलाउद्दीन के सैनिक सुधार। अब फरिश्ता, जिसने अलाउद्दीन की सेना के बारे में अपनी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता में लिखा है, उसने लिखा है कि अलाउद्दीन की सेना में 4.75 यानी 5.25 लाख के लगभग घुड़सवार थे। और उसने कहा है कि उसने अपनी सेना जो है 10,000 इनकी टुकड़ियों में बांट रखी थी। 10 घुड़सवारों के जो ऊपर अधिकारी हुआ करता था वो सिपह सालार कहलाता था, 100 घुड़सवारों के ऊपर अधिकारी मलिक कहलाया करता था और जो 1,000 घुड़सवारों के ऊपर अधिकारी था उसे खान कहा जाता था। यानी अगर अवरोही क्रम में चलें तो ये होगा खान, मलिक, सिपह सालार, और अगर आरोही क्रम में चलें तो सिपह सालार, मलिक और खान ये बढ़ती हुई जो हैं वो श्रेणियाँ थीं। इस तरह से उसने अपनी सेना को ना सिर्फ अलग अलग हिस्सों में बांटा बल्कि अपने सैनिकों को ज़्यादा मजबूत नहीं हो जाए उससे बचने के लिए, उसका निवारण करने के लिए सैनिकों को ज़मीन की जगह तनख्वाहें या वेतन देना शुरू कर दिया। ये लोग वेतनभोगी थे, जब तक जीवित थे, जब तक सेना में काम कर सकते थे तब तक उनको तनख्वाह मिलती थी और जब वो वृद्ध हो जाते थे तो राजकोष पर उनकी देखभाल का अतिरिक्त भार नहीं पड़ा करता था। ये सेनाएँ आनुवंशिक आधार पर नहीं थी, इस कारण ये सैनिकों के लिए ज़रूरी था कि वो अच्छी तरह से अपने आप को युद्ध मैदान में प्रस्तुत करें और एक तरह से झोंक दें, क्योंकि यहाँ उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाता था। दूसरा, सैनिकों और घोड़ों की अदला बदली को रोकने के लिए उसने दाग और हुलिया, हुलिया सैनिकों का हुलिया लिखने के लिए, और दाग सामंतों के घोड़ों पर शाही दाग लगा दिया जाता था ताकि एक बार को एक ही घोड़ा निरीक्षण के समय, इंस्पेक्शन के समय प्रस्तुत किया जा सके। और अलाउद्दीन के इन्हीं सैनिक सुधारों की बनिस्पत ना सिर्फ उसने उत्तरी भारत के उन किलों को जीता जो अभी तक अभेद्य थे, जिनमें रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर आदि मुख्य थे, मालवा बहुत इम्पॉर्टेंट था, मंगोलों का उसने लगभग उसके टाइम में 5 से अधिक बार मंगोलों के आक्रमण हुए, उनके वेग को तोड़ने वाला दुनिया में पहला शासक अलाउद्दीन ही था। और साथ ही साथ इन्हीं सेना ने जो है उसके दक्षिण भारत के विजय अभियानों की पटकथा लिख दी थी। इसका पूरा श्रेय अलाउद्दीन की सैनिक नीति को जाता है। अब इसकी सैनिक नीति जो है बच्चों, इसमें से कुछ प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। छोटे प्रश्न, अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्नों में दाग और हुलिया नामक प्रश्न पूछे जाते हैं। और कितनी तनख्वाहें उसने निश्चित करी, ये भी हम इतिहास पढ़ते हैं, आगे आप PTET के एग्ज़ाम देंगे या RS के एग्ज़ाम भी दे तो ये इसने जो तनख्वाहें निश्चित करी, गनीमा की दर उसने क्या निश्चित करी, ये याद रखना आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।
ये याद करें, इसको बार बार रिवाइज करें, वीडियो को देखें, किताब में इसको वापस पढ़ें, ताकि आपको अच्छी तरह से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नोट्स की पीडीएफ एक आध दिन में आपसे शेयर कर दी जाएगी। तब तक आप कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपके विषय के जो अध्यापक हैं, सहायक आचार्य हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनको देखें और उन्हें उनसे अपने ज्ञान का परिमार्जन करें, ज्ञान में अभिवृद्धि करें। इतना ही कहकर मैं अपने इस लेक्चर को और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।